हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो पे। मेरा नाम है विपुल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, फिलहाल मैं दुबई में हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो आज भी इसी रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से एक एजेंट के थ्रू यहाँ पे जॉब लेके आया था। और आज जिसके बारे में बात करेंगे वो भी सिक्योरिटी गार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिलीगुड़ी में रिक्रूटमेंट हो रहा है दुबई सिक्योरिटी गार्ड के लिए। दुबई सिक्योरिटी गार्ड का जो इंटरव्यू होने वाला है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल पे होने वाला है 23rd of June। 23 तारीख को ये इंटरव्यू होने वाला है। और जितना पता चला है, इस बार जो वैकेंसीज आए हुए हैं अप्रॉक्स 200 to 250 वैकेंसीज आए हुए हैं। तो आप में से जो भी प्लान कर रहे हैं कि दुबई आना है, नौकरी करना है, और ख़ासकर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप 23rd of June को इंटरव्यू पे जाइए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू पे बैठिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप भी दुबई आ सकते हैं जॉब को लेके। तो ये जो जॉब होने वाला है, इसमें बेसिकली दो तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं, दो से तीन तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है हाइट। आपकी जो हाइट है 5'7" होना चाहिए। दूसरा है कि आपके शरीर में कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। और इस अगर ये जॉब आपको मिल जाता है तो इसमें आपको सैलरी भी मिलते हैं। सैलरी तो ज़रूर मिलेगा। सैलरी होता है इसमें 2 to 6 7 दिरहम। अगर आप 2 to 6 7 दिरहम को कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी पे, तो अप्रॉक्स 51,000 to 52,000 हो जाते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको एकोमोडेशन देता है और ट्रांसपोर्टेशन देता है। बाकी जितने भी इंश्योरेंस वगैरह रहते हैं सारे कंपनी की तरफ से ही रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी कंपनी होंगे ये अभी तक बताया नहीं गया है। दुबई में काफ़ी सारे कंपनी, जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप कंपनी हो गया, अर्कन हो गया, G4S हो गया, ट्रांसगार्ड हो गया, ये सारी कंपनी है जहाँ पे रिक्रूटमेंट होते हैं, जहाँ पे वैकेंसीज आते हैं दुबई सिक्योरिटी के लिए, दुबई सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो 23rd of June इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू कहाँ होगा ये डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और अगर आप दुबई सिक्योरिटी गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अगर आना चाह रहे हैं, तो लाजिम है कि आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाए और अपना बेस्ट दे। और काफ़ी लोगों के ये सवाल होता है कि इंटरव्यू में सवाल क्या होता है। तो देखिए, इंटरव्यू में सवाल होते हैं, उतना हार्ड इंटरव्यू नहीं होता। बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो सेल्स पर्सन के लिए हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो, या फिर किसी भी रोल के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके जाना ज़रूरी होता है। ये तो हो गया पहला। जैसे कि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाएंगे जॉब के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। अगर आपके जान पहचान में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड में काम करते तो उनसे पूछताछ लीजिएगा। दूसरा, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, तो आपको दो टेस्ट लिया जाता है। पहला आपका एक नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स होता है, EPT जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा एक ऐसे ऐसे में आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, जैसे अबाउट मोबाइल फ़ोन हो गया, अबाउट योर फेवरेट गेम, अबाउट योर पेट, व्हाट वाज द लास्ट मूवी यू हैव सीन। इस तरीके का कुछ आपको टॉपिक्स दिया जाएगा जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। ऐसे में आपका इंग्लिश भी चेक होता है, ग्रामर भी चेक होता है, प्लस आपका हैंडराइटिंग भी चेक होता है। इस तरीके से ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो हैंड टू हैंड ही आपको बताया जाता है कि आपने पास कर लिया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी हाथों हाथ ही दिया जाता है। तो ये वीडियो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितना पॉसिबल होगा आपको इस बारे में बताया जाएगा। डेट याद रखिएगा 23rd of June। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे भी और भी वैकेंसीज आते रहते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ये जो 23rd of June को वैकेंसी आने वाला है, ऐसा नहीं कि पीछे नहीं हुआ है, एक हफ्ता पहले भी हुआ है, दो हफ्ता पहले भी हुआ है। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यूज आते रहते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।